लोक मुंडा पांडे के प्रधान संगठन अध्यक्ष शानू नंबरदार ने मिड डे मील को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रधान संघ संगठन ने ग्राम प्रधान के स्थान पर विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष को मिड डे मील के खाते में नामित किए जाने के खिलाफ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया। बृहस्पतिवार को प्रधान संघ संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को इस संबंध में एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया कि गत 25 दिसंबर 2020 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष को मिड डे मील के खाते में नामित किया गया था। मांग उठाई गई है कि नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को अध्यक्ष के स्थान पर मिड डे मील खाते से जोड़ा जाए, जिससे कि स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। कहा गया कि विद्यालयों के प्रबंध समिति के अध्यक्ष को मिड डे मील के खाते में नामित किए जाने से इस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जबकि इस कार्य को ग्राम प्रधान साकुशल अंजाम दे सकते हैं। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए प्रधान संघ के अध्यक्ष लोक मुंडा पांडे से ग्राम प्रधान पति शानू नंबरदार एवं कोषाध्यक्ष मोहम्मद फारूक ने संयुक्त रूप से बताया। इस मौके पर उपाध्यक्ष अशोक कुमार व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। क्या समस्या है आज, किन मुद्दों को लेकर? जिला अधिकारी महोदय साहब को ज्ञापन दिया है। जो मिड डे मील का मामला था, वो प्रशासक बनने पर जो समिति के अध्यक्ष थे उन पर चला गया था। उसमें प्रधान को अध्यक्ष बनाया जाए मिड डे मील, उसका नाम जोड़ने के लिए हमने ज्ञापन डीएम साहब को दिया। क्या आश्वासन? मोहम्मद फारूक है, मैं ग्राम प्रधान भाईपुर हूँ। जी तारिक जी, आज आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर? मैं ब्लॉक से कोसा अध्यक्ष व प्रधान संगठन का, आज हमने माननीय जिला अधिकारी साहब को ये ज्ञापन दिया है कि कोरोना के टाइम पर जो प्रशासन किए गए थे उनको हटाकर प्रधानों का चयन किया गया। क्या आश्वासन दिया आपको? माननीय जिला अधिकारी ने कहा है, बोले बीएससी साहब से बात करके आपका।